किसानों के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों का भारत बंद का असर बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। बंद समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बसों और गाड़ियों को रोककर यात्रियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। बंद को लेकर क्या असर देखने को मिल रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजीव कमल ने। किसान मोर्चा द्वारा उसी आज बिहार में भी महागठबंधन ने बंद बुलाया है, उसको लेकर आज जाप कार्यकर्ता आपको डगबंगला चौराहे पर पहुंचे हैं। हम डगबंगला चौराहे से आपको दिखा रहे हैं कि एक बस है जिसको लेकर रोका जा रहा है, जाप के कार्यकर्ता हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आप जाप कार्यकर्ताओं द्वारा ये देखिए पीछे करा जा रहा, क्या कहना है आपका? कहना यही है कि हमें मोदी के सरकार में तानाशाही की राज नहीं चलने देंगे, समझे? तो बस को रुकवा रहे हैं? बस को क्यों नहीं रुकवाएंगे, भारत बंद है, हमारे पार्टी के द्वारा भारत बंद है, तो भारत बंद मतलब पूरी बंद। क्या कहना है आपका? देखिए, किसान हमारे अकेले नहीं है, हम अपने किसानों के समर्थन में जान देने तक रहेंगे और कहीं ना कहीं इस चीज़ को देश को समझा कर रहेंगे कि आज जो जनता त्रस्त है, आप जो डॉक्यूमेंट्री बनवाते हैं, आप जो छोटी छोटी महिलाओं को जिनके पास रोटी नहीं है, ठीक है, उनको आप दिखाते हैं कि आप बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्री के अनुसार आपने घर दे दिया, मैं कहूँगी किसकी जांच हो? प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ मार्केटिंग की है, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग। पति माफिया के हाथ आप झुक चुके हैं, इसलिए आप ऐसा मजबूरी में देश के साथ जुल्म कर रहे हैं। हम भी समझ रहे हैं, किसान भी समझ रहे हैं, बस यही तो करना है, बिचौलिया को छोड़िए, देश के किसानों को पकड़िए और न्याय दे दीजिए। जो आपके यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं, आप आगे देखना होगा कि महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, राजद है, राजद ने बड़ा कॉल दिया, तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि बंद को हम पूर्णतः बंद बिहार बंद करेंगे और भारत बंद में सहयोग करेंगे। पटना दूसरी तस्वीर भी राजधानी पटना के सड़कों पर विपक्षी पार्टियों द्वारा भारत बंद और आरजेडी के बिहार बंद का व्यापक असर पटना में किस तरह का है और विधायकों के साथ बदसलूकी के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद को लेकर समर्थक सुबह से ही सड़कों पर डटे हुए हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो हुजूम है वो आ चुका है, जो भारत बंद का ऐलान किया गया है विपक्षी द्वारा और जो किसानों द्वारा। आइए देखते हैं किस तरीके से जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो किस तरीके से घोड़े से आए हैं, टांगे पे आए हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे विजुअल के माध्यम से किस तरीके से जो जाप के भी कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ जुट गए हैं और जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो भी आ रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि आज भारत बंद होगा। जिस तरीके से जो किसान बिल है, जिस तरीके से विधायकों को मारा गया, इन सबों का बदले में आज ये लोग भारत बंद करने वाले हैं। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आरजेडी के जो समर्थक हैं, आरजेडी के जो देखिए आप तरीके देख सकते हैं किस तरीके से के घोड़े से आए हैं। साफ तौर पर हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इन लोगों का क्या कहना है और इस तरीके के साथ जो नया तरीका है कि घोड़े पे जो टांगे कारी से आए हैं और डाक बंगला चौराहे पर यह लोग धरना देने वाले हैं और भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं। आइए देखते जानते हैं इन लोगों से कि क्या कुछ है इनका कहना। पटना से लालजी टोला से आए हैं। आप लोगों का किस तरीके से आज आप बंद का समर्थन करने वाले हैं? आज हम लोग बंद के समर्थन में हमारे माननीय नेता जो तेजस्वी यादव ने बोला है शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को बंद करने के लिए और हम लोग उनके बातों को पालन करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी गरीबों के थाली से रोटी गायब कर दिए, आज पेट्रोल की दाम 65 से 100 हो गया, आज तेल का दाम कच्चे तेल की कीमत क्या है, आज श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान तेल खरीद रहे हैं हमसे सस्ता में और हम लोग महंगा में क्यों खरीदें। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि जिनके आह्वान पे जो तेजस्वी यादव हैं नेता प्रतिपक्ष, उनके आह्वान पे ये शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद करेंगे और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से महंगाई है और किसानों के विरोध में जो बिल लाया गया उसको लेकर यह शांतिपूर्ण भारत बंद और बिहार बंद करेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, नेशन न्यूज। बिहार बंद के दौरान आरजेडी हाजीपुर में सुबह से ही सड़क पर जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर गांधी सेतु को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महुआ विधायक मुकेश रोशन ने नीतीश सरकार पर करारा प्रहार किया। बता दें कि मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष के कई विधायकों को सदन के अंदर पुलिस ने पिटाई की थी, साथ ही कई विधायकों को घसीटते हुए सदन के बाहर ले जाया गया था, जिसके विरोध में महागठबंधन ने शुक्रवार को बिहार बंद का ऐलान किया था।
पूछता है बिहार का हर एक युवा नौजवान बेरोजगार, कहाँ है रोजगार। पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, विपक्ष के लोग जब लोकतंत्र के मंदिर में जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं तो उसके ऊपर गुस्साते हैं। अरे भाई, विपक्ष आवाज़ नहीं उठाएगा क्या? जो जनहित के मुद्दे हैं उसको हम लोग सदन में उठाने का काम करते हैं। जिस तरह से काला कानून लाया गया, पुलिस अधिनियम, जो विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम जो लाया गया, उसके खिलाफ हम लोग आज सड़क और सुबह से ही हाजीपुर में बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संतोष हैं फोन लाइन पर। संतोष, फिलहाल क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान? स्थिति सामान्य है। रूपक से सभी चौक चौराहे, हाजीपुर के सभी मुख्य चौक चौराहे पर जो है राजद समर्थक जो है अभी तक के सड़क को बंद किए हुए हैं। पूरा सदन जो है ठप हो चुका है। साथ साथ जो है सदर एसडीपीओ और खुद ही नेतृत्व कर रहे हैं और जांचकर्ता को लगातार जाने बुझाने में लगे हुए हैं कि कम से कम जो इमरजेंसी वहां है जिसको ज्यादा जरूरी है, जैसे कि अस्पताल के एम्बुलेंस गाड़ियां हो या छोटे छोटे मोटरसाइकिल और छोटे छोटे वाहन को जाने दिया जाए। मगर अभी तक के राजद समर्थक अपने जिद पर भारत बिहार को लेके डटे पड़े हुए हैं। जी संतोष, तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि पीछे एक लंबा जाम लगा हुआ है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। होली भी है तो होली के कारण लोग बाजारों में भी जा रहे होंगे खरीदारी को लेकर। आम लोग कितना प्रभावित हैं इस बंद से? देखिए, आम लोग को तो सबसे ज्यादा जो है परेशानी हो ही रही, प्रभावित हो ही रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो भी दुकानदार है, खुदरा दुकानदार हो या बड़े व्यापारी हो, जिनको क्योंकि होली भी नजदीक आ रही है और हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली माना जाता है, इसको लोग मार्केट में दो चार दिन पहले से ही चल पा लेती है, जो बिल्कुल ही वो देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही राजद समर्थक और गुदरी के एक दुकानदार के जो है दुकान बंद कराने के दौरान जो है झड़प भी हो गई है। वहां पे तलवारबाजी भी मतलब कि देखने को मिला, वैसे भी घटना हुई है और खुद उस जगह पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं वैशाली एस मनीष कुमार जी। संतोष, एक जो ये विधायक एक और है जिनको उस दिन मारपीट के दौरान उनको जख्मी हुए थे, उनका हाथ टूट गया था, वो भी मौजूद हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, डॉक्टर मुकेश रोशन जो आरजेडी के महुआ विधायक है, उनका कहना है कि जो हमें बिहार में जो रोजगार, युवाओं को रोजगार की बात हम जब आवाज सदन में उठाते हैं तो सरकार जो है उसको दबाने में लगी हुई है, और यही सब तमाम बातों को लेकर वो लगातार अपनी बातों को हम जैसे लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, मोदी सरकार तक पहुंचाना, ताकि युवाओं को रोजगार मिले। जो बेरोजगार युवा कहीं भटक रहे हैं, जो नशा के लत में है, जैसे कि अभी बिहार में शराबबंदी जैसी, बिहार में शराब तो बंद है लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पूरी की पूरी जो है कालाबाजारी हो रहा है, ये सब को लेकर विरोध प्रकट कर रहे हैं डॉक्टर मुकेश रोशन। हाँ जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका संतोष, लेकिन आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। तो हाजीपुर में बंद समर्थक सड़कों पर निकल चुके हैं और सुबह से ही खड़े हैं, आगजनी कर रहे हैं और लंबी गाड़ियों की जो कतारें हैं वहां पे आप देख सकते हैं किस तरह भीषण जाम लगा हुआ है और इस जाम में एम्बुलेंस की गाड़ियां भी फंसी हुई हैं, जिससे आम लोगों के साथ साथ मरीज के परिजन भी परेशान हो रहे हैं। और अगली तस्वीर जहानाबाद की, जहां बिहार बंद के दौरान महागठबंधन और जाप कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर सुबह से ही जहानाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सदन में जिस तरह विपक्षी पार्टियों को पीटा गया वो काफी निंदनीय है, इस दिन को लेकर लोकतंत्र के काले दिन के अक्षर में लिखा जाएगा। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी काफी चौकन्ना है। सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे, जान का पता चला था, देख ही रहे हैं गाड़ियों को सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है, यातायात को सामान्य किया जा रहा है। हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग यातायात को कहीं भी बाधित न होने। हमारे प्रतिपक्ष के नेता, बिहार के सर्वमान्य नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आग्रह किया कि इस बिल में बहुत अनियमितता है, इसको संशोधन करने की आवश्यकता है। हे नीतीश कुमार, जो निर्लज कुमार है, बिहार के विकास से ज्यादा।